देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब एक दूसरे के खिलाफ राज्य के स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। जब आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ोगे तो जाहिर सी बात है, आप एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाओगे, आप एक दूसरे को चुभने वाली बातें भी कहोगे। मगर अगर आप बड़े स्तर पे कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे एक साथ आने की बात करोगे तो आपको पुरानी बातें तो भूलनी पड़ेंगी। अब ये कहना कि साहब आपकी एक प्रवक्ता ने ये कह दिया, तो भाई कांग्रेस के भी बहुत सारे प्रवक्ताओं ने कोई जो है लिहाज तो नहीं रखा, वो तो रोज़ सीधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करते हैं, रोज़ ही करते हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा, आपको थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा, अपने अहम को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबको ये करना पड़ेगा, सबको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो है, ये अगर इतना आसान काम होता तो ये 2014 में हो गया होता, 2019 में हो गया होता। नहीं हो पाया ना 14 और 19 में, क्योंकि मुश्किल काम है, मगर करना है और मुश्किल काम है, इसीलिए सब बड़े बड़े नेताओं को साथ आना पड़ेगा और कोई राह निकालनी पड़ेगी। भाई मैं तो अक्सर देखता हूँ राहुल गांधी मोहब्बत प्यार ये बातें अपनी भाषण में कहते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफ़रत फैलाती है, कांग्रेस और राहुल गांधी प्यार और मोहब्बत फैलाते हैं, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नफ़रत के बाज़ार में। तो उस मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा, तो जो ग्राहक आएगा वो मोहब्बत खरीद सकता है। तो जो कहा है उसको करके भी दिखाना पड़ेगा। और अभी तो आप सत्ता में नहीं हैं, लोग आपका आकलन कर रहे हैं कि अभी आपके पास सत्ता नहीं है, क्या आप अपने अहम में हैं? अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो आपका अहम कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो आपको संतुलित होना पड़ेगा, अपनी मोहब्बत की दुकान के अंदर दिखाना पड़ेगा कि आप मोहब्बत बेच रहे हैं। ये आप ही कह रहे हैं कि ग्राहक के तौर पे जा रहे हैं कि नहीं, मैं तो आप कह रहा हूँ मोहब्बत कि की दुकान चला रहे हैं। हर विपक्षी दल मोहब्बत की दुकान पे आएगा और कहेगा लाइए मोहब्बत दीजिए, और आप कहेंगे हमारे पास मोहब्बत नहीं है, तो लोग कहेंगे फिर तो दुकान में माल नहीं है, आपको मोहब्बत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने खोली है वो दुकान। आपने कहा है बार बार कि हम नफ़रत के शहर में मोहब्बत की दुकान, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान पे बैठे हैं, तो करना पड़ेगा। और बड़ा दिल, इसमें कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप एक तरफ से बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, एक प्रवक्ता उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर संविधान बचाने से ज़्यादा बड़ा उपकार होगा कि राहुल गांधी को तीसरी बार कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट न करे, 3 बार वो फेल हो चुके हैं, इतनी बार और उन्हें फिर से अगर करते हैं तो ये नुकसानदेह ही होगा। देखिए क्या है कि हर पार्टी, मैंने जैसे कि कहा, राज्य स्तर पे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है।